बॉलीवुड में कई ऐसे लव स्टोरीज हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो सकी। ऐसे ही प्यार की कहानियां थी अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की। 5 साल का ये प्यार और फिर सगाई भी हो गई, लेकिन फिर भी दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। मतभेद की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया, लेकिन आज भी दोनों के प्यार के किस्से याद किए जाते हैं। दोनों के प्यार की गवाही दी जाती है और एक थ्रोबैक वीडियो दरअसल सामने आ गया है। 19 साल पुराने इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या था और क्या थे इन दोनों के बीच में प्यार के संबंध। दरअसल इस थ्रोबैक वीडियो में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन किसी फिल्मी पार्टी में नजर आ रहे हैं। इस दौरान अभिषेक की बहन श्वेता भी नजर आती है और करिश्मा की बहन करीना कपूर भी। श्वेता बच्चन बड़े ही प्यार से करिश्मा को गले लगाती हैं और अभिषेक उन्हें मेहमानों से मिलवाते हैं, और इस दौरान अभिषेक की नजरें बस करिश्मा पर टिकी रहती हैं और उनकी आंखों में प्यार साफ नजर आता है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की लाली श्वेता का रिश्ता कपूर परिवार की बेटी शत्रुनंदा के बेटे निखिल से 1997 में तय हुआ था। इस रिश्ते की वजह से ही कपूर और बच्चन परिवार पास आए और अभिषेक और करिश्मा भी इस दौरान मिले और धीरे धीरे उनके बीच प्यार उमड़ने लगा था। उनके प्यार के किस्से हर ओर चर्चा में थे, लेकिन अपने 60वें जन्मदिन पर अमिताभ ने दोनों की सगाई का ऐलान भी कर दिया और सबको चौंका दिया था। दोनों की सगाई हो गई, लेकिन करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक की असफल फिल्में खलने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि अगर अभिषेक सफल नहीं हुए तो क्या होगा। ऐसे में दोनों परिवारों के बीच खटास बढ़ने लगी और दोनों का रिश्ता टूट गया। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मिक्स9 लाइव।